वेलकम टू आवर इंग्लिश शुरू से चैनल। हम इस वीडियो में ऐसे वर्ड मीनिंग बताने जा रहे हैं, शायद इसमें से कुछ आपको पहले से पता होगी और कुछ नहीं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं आप इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए जा रहे हैं जो आपके लिए मददगार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एज इफ यानी जैसे कि, एग्जाम्पल, ही बिहेव्स एज इफ ही वेर ए सेलिब्रिटी। वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो एक सेलिब्रिटी हो। नेक्स्ट, एज ऑफ यानी तक। एग्जाम्पल, एज ऑफ नाउ आई एम एन इंग्लिश टीचर। अभी तक मैं एक अंग्रेजी शिक्षक हूँ। नेक्स्ट, एज टू यानी से संबंधित। एग्जाम्पल, एज टू हर मैरिज, उसकी शादी के बारे में। नेक्स्ट, एज फॉर यानी बारे में, विषय में, संबंधी। एग्जाम्पल में, एज फॉर मी माई फैमिली इज एवरीथिंग। मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। नेक्स्ट, एज पर यानी के अनुसार। एग्जाम्पल, एज पर ऑनलाइन एग्जाम गाइडलाइंस, के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार। नेक्स्ट, एज येट यानी अभी या फिर अभी तक। एग्जाम्पल, दे ऑल हैव रेस्पॉन्डेड टू माई ई मेल एज येट। उन सभी ने अभी तक मेरे ई मेल का जवाब दिया है। नेक्स्ट, एज फ्रॉम यानी से। एग्जाम्पल, एज फ्रॉम दिस मंथ, इस महीने से। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, एज फ्रॉम टूडे वी विल वर्क टूगेदर, आज से हम साथ काम करेंगे। नेक्स्ट, एज मच यानी ऐसा ही। एग्जाम्पल, आई एम श्योर सी वुड डू एज मच फॉर मी। मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए उतना ही करेगी। नेक्स्ट, एज सच यानी जैसा है वैसा, या फिर उसी रूप में जिसकी चर्चा की गई है। एग्जाम्पल में देखेंगे, सी डिड नॉट गेट द प्राइज एज सच बट सी इज हैप्पी। उसे इस तरह पुरस्कार नहीं मिला लेकिन वो खुश है। नेक्स्ट, एज वेल यानि भी। एग्जाम्पल, ही विल गो एज वेल, वो भी जाएगा। नेक्स्ट, एज अबव यानि जैसा ऊपर दिया है यानि जैसे ऊपर दिया गया है। एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन हैज सेम आंसर एज अबव, इस प्रश्न का उत्तर ऊपर जैसा ही है। नेक्स्ट, एज इट इज यानि ज्यों का त्यों, जैसा है वैसे ही। एग्जाम्पल, यू हैव टू मेक द फूड एज इट इज मेड, आपको खाना वैसे ही बनाना है जैसा बना है। नेक्स्ट, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह। एग्जाम्पल, एज यूजुअल आई वेंट टू द मार्केट ऑन संडे मॉर्निंग, हमेशा की तरह मैं रविवार की सुबह बाजार गया। नेक्स्ट, एज ऑलवेज हमेशा की तरह। एग्जाम्पल, एज ऑलवेज माई सन फॉरगॉट टू टेक हिज टिफिन फॉर स्कूल, हमेशा की तरह मेरा बेटा स्कूल के लिए अपना टिफिन ले जाना भूल गया। नेक्स्ट, एज बिफोर यानि पहले जैसा। एग्जाम्पल, ही इज नो मोर टॉकिंग विथ हिज गर्लफ्रेंड एज बिफोर, वो अब अपनी प्रेमिका के साथ पहले की तरह बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, एज फार एज जहां तक। एग्जाम्पल, एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है। नेक्स्ट, एज मे बी यानी जैसा कि। एग्जाम्पल, दिस वॉज एज मे बी एक्सपेक्टेड, ये वही था जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। नेक्स्ट, एज ऑफ नाउ अभी तक। एग्जाम्पल, एज ऑफ नाउ ही हैज रिटन टोटल 2 books, अब तक उन्होंने कुल 2 पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट, एज दो यानी मानो। एग्जाम्पल, He is saying as though knows everything. वो कह रहा है जैसे सब कुछ जानता है। Next, as a whole, पूरा हिस्सा। As a whole यानि पूरा हिस्सा। Example, I liked the acting but did not enjoy the movie as a whole. मुझे अभिनय पसंद आया लेकिन पूरी फिल्म का आनंद नहीं लिया। I liked the acting but did not enjoy the movie as a whole. नेक्स्ट,
एज अगेंस्ट यानि की तुलना में या फिर के बदले में. एग्जाम्पल, फाइव पीपल वॉन्टेड बिरयानी फॉर द पार्टी एज अगेंस्ट फोर हु चूज फ्राइड राइस. पांच लोग पार्टी के लिए बिरयानी चाहते थे जबकि चार फ्राइड राइस लेने वाले थे. नेक्स्ट, एज अमेंडेड यानि संशोधन के रूप में. एग्जाम्पल, वी विल फॉलो दिस रूल एज अमेंडेड यानि हम संशोधित के रूप में इस नियम का पालन करेंगे. नेक्स्ट, एज फॉलोज, एज फॉलोज यानि जैसा कि सूची में नीचे दिया गया है. एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चंस आर एज फॉलोज, ये प्रश्न इस प्रकार हैं. नेक्स्ट, एज नीडेड, जैसी जरूरत थी. एग्जाम्पल, एड सॉल्ट एज नीडेड, आवश्यकता के अनुसार नमक डालें. नेक्स्ट, एज इट वेयर, जैसा था. एग्जाम्पल, अरेंज दिस थिंग्स ऑन द टेबल एज इट वेयर, इन चीजों को टेबल पर इस तरह व्यवस्थित करें जैसे ये थी. नेक्स्ट, एज इज यानि जैसा है. एग्जाम्पल, एज इज कंडीशन, जैसी स्थिति है. नेक्स्ट, एज एवर यानि हमेशा जैसे. एग्जाम्पल, लव हर एज एवर, उसे हमेशा की तरह प्यार करो. नेक्स्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यानि हकीकत में या फिर असल में. एग्जाम्पल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट वॉज वेरी ईजी, वास्तव में यह बहुत आसान था. नेक्स्ट, एज रिगार्ड्स यानि के बारे में. एग्जाम्पल, एज रिगार्ड्स होम पॉलिसी, गृह नीति के संबंध में, गृह नीति के बारे में. नेक्स्ट, एज अपोज्ड टू, एज अपोज्ड टू यानि विरोध के रूप में या फिर के विपरीत. एग्जाम्पल, योर गेम विल बी जज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एज अपोज्ड टू अपीयरेंस, आपके खेल को दिखावे के बजाय प्रदर्शन के आधार पर आंका जाएगा. नेक्स्ट, एज सून एज यानि जैसे ही. एग्जाम्पल, आस्क हिम टू सिट एज सून एज ही फिनिश्ड हिज वर्कआउट, आस्क हिम टू सिट एज सून एज ही फिनिश्ड हिज वर्कआउट, जैसे ही उसने अपना कसरत समाप्त किया उसे बैठने के लिए कहें. नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज यानि जब तक. एग्जाम्पल, As long as you love me, I will love you. जब तक तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा. उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा.